हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विक्की और आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी क्या है कि ये मेरा एक मित्र है, ये मेरा मित्र जावेद हुसैन है। जावेद भाई, हमारे सब्सक्राइबर को, तो ये क्या है कि हम लोग अपने घर से ड्यूटी के लिए आए हैं कंपनी में। तो कंपनी हम लोग हालांकि कंपनी में ही है, ड्यूटी में ही है, ऑन ड्यूटी है। तो अभी रूम पे ही है, अभी माइंस में चल नहीं रही मशीन वगैरह, तो रूम पे ही है। तो ये जो जावेद जी है, ये एक वॉल्वो ऑपरेटर है, प्रोफेशनल इनका काम है। प्रोफेशनल मैं भी वॉल्वो ऑपरेटर हूँ, प्रोफेशनल मैं एक्सकेवेटर ऑपरेटर भी हूँ, मैं दोनों चलाता हूँ, मगर ये प्रोफेशनल वॉल्वो ऑपरेटर ही है। तो ये हम लोग जो मशीन गाड़ी को यानी वॉल्वो डंपर को जब हम लोग प्री स्टार्ट चेकअप है, अपना पीपीई है, उसके बाद फेस पे ले जाना है, फिर डंप लेके जाना है, तो सारा प्रोसेस जो है एज अ प्रैक्टिकल ये डेली करते हैं। तो मैंने कहा कि जावेद भाई, थोड़ा आज मेरे सब्सक्राइबर लोग के लिए आप आगे छोटा सा वीडियो मेरे साथ में आ जाइए आप, और एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए मेरे सब्सक्राइबर को, आप बता दीजिए कि आप करते क्या। तो जावेद भाई, आप क्या करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से बताइए, जैसे आप ड्यूटी में आते हैं उसके बाद आप करते क्या क्या, थोड़ा सा लॉन्ग। मेरा नाम जावेद हुसैन है, और जैसा कि विक्की भाई ने अभी हमसे पूछा कि गाड़ी के बारे में, कि गाड़ी में चलने से पहले क्या क्या मतलब चेक किया जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं पार्किंग में जब गाड़ी खड़ा होता है, तो उस समय जब मैं जाता हूँ, तो पहले तो मैं अपना पैर पीपीई का प्रयोग करता हूँ, वही पर्सनल प्रोटेक्टिव, सेफ्टी हेलमेट वगैरह, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी शूज वगैरह है ना। उसके बाद जब मैं पार्किंग में जाता हूँ अपने गाड़ी के पास, तो गाड़ी के चारों ओर मैं पहले घूम करके चेक कर लेता हूँ कि वहाँ कोई जानवर या कोई इंसान कुछ सोया हुआ तो नहीं है, या कोई बड़ा बोल्डर नीचे में तो नहीं है। उसके बाद मैं गाड़ी का टायर चेक करता हूँ कि टायर में मेरा हवा सही है या कम है। उसके बाद मैं स्टेक बोर्ड चेक करता हूँ, और मैं जितना भी केबिन के नीचे भी हाउस पाइप वगैरह होता है वो सब चेक करता हूँ, पीछे डिफरेंशियल वगैरह चेक करता हूँ। और उसके बाद मैं आगे केबिन के पास जा करके मैं उसको बोनट उठा करके इंजन ऑयल चेक करता हूँ, और उसके बाद क्लच ऑयल चेक करता हूँ, ब्रेक ऑयल चेक करता हूँ, और रेडी वाटर चेक करता हूँ। उसके बाद फिर मैं जब गाड़ी के सब ये सब चेक करने के बाद, मैं फिर से एक बार घूम करके चेक करने के बाद, मैं जब गेट खोल के मैं चढ़ता हूँ, चढ़ने के बाद फिर मैं जब चाबी को ऑन करता हूँ, तो ऑन करने के बाद गाड़ी का टोटल फंक्शन मैं चेक कर लेता हूँ कि गाड़ी का मेरा फंक्शन सब सही है। उसके बाद जितना भी बटन वगैरह डिशबोर्ड में रहते हैं, आगे जितना भी रहते हैं उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि वो ऑफ है या ऑन है। उसके बाद मैं अगर ऑन है तो उसको ऑफ करके मैं गाड़ी को सेल्फ मारता हूँ, और सेल्फ मारने के बाद मैं दोनों साइड में लुकिंग ग्लास को चेक कर लेता हूँ कि मेरा कहीं डाला उठा हुआ तो नहीं है। अगर डाला उठा हुआ तो मैं वीडियो को देख लेता हूँ ऑन है या ऑफ है, अगर ऑन रहता है तो उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने बाद उसको बीच में नॉर्मल करता हूँ। ये क्या होता है कि जावेद भाई, कि जब हम लोग ऑफ करते हैं तो डाला जो है अगर बैठता है ना, डाला बैठने के बाद फिर हम उसको न्यूट्रल करके न्यूट्रल करते हैं। हाँ वही सही है। उसके बाद फिर मैं जब गाड़ी को मैं जब आगे बढ़ाता हूँ, तो एक बार आगे बढ़ाने से पहले आगे या पीछे लुकिंग ग्लास से चेक कर लेता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ाने के दौरान मैं 5 सेकंड में दो हॉर्न देता हूँ, मैंने 5-5 सेकंड का दो हॉर्न देते हैं ना। हाँ, 5-5 सेकंड का दो हॉर्न मैं देता हूँ। उसके बाद फिर मैं जब गाड़ी लेकर के जब आगे बढ़ता हूँ, मशीन की ओर जाता हूँ, जब मैं माइंस में जाता हूँ मशीन की ओर जाता हूँ, मशीन के पास जाने के बाद मैं मशीन के पास जो फेस होता है, मैं वो फेस को देखता हूँ पहले, फेस मेरा सही है या नहीं है। अगर फेस अगर सही नहीं है तो मैं उसको वहाँ का जो सुपरवाइजर होता है मशीन के पास, मैं उसको मैं बोलता हूँ, तो वर्कशॉप से डोजर मंगवा लेते हैं, या तो अगर वह अगर वहाँ नहीं रहते हैं तो मैं विक्की भाई को या कोई भी ऑपरेटर रहता है, जैसे कि मान लीजिए मैं मशीन पे हूँ और ये जावेद भाई आए हैं, जावेद भाई कॉल किए हैं, वॉकी में या कोई विक्की भाई फेस खराब है, तो फिर हम लोग डोजर से पहले हम लोग बना लेते हैं, या डोजर मिल जाए तो डोजर और अच्छा रहता है, तो सब हो जाता है मिलजुल के। बाद में जब गाड़ी का मैं जब गाड़ी बैक करता हूँ, तो मैं अपने लुकिंग ग्लास से पॉकेट को मशीन में देख लेता हूँ, मशीन के पॉकेट देख लेता हूँ कि मेरा ऑपरेटर तैयार है या नहीं है। अगर तैयार है तो मैं गाड़ी को बैक करने से पहले 3 बार हॉर्न देता हूँ, 5-5 सेकंड का, 5-5 सेकंड का 3 बार जी। उसके बाद फिर मैं गाड़ी को लगाता हूँ उस पॉकेट के सामने ले जाकर के फेस टू फेस करता हूँ, बैक करके गाड़ी को लगाने के बाद में जब गाड़ी लोड होता है तो ऑपरेटर हॉर्न दे देता है। जब हॉर्न दे देता है तो फिर गाड़ी को मैं वहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मैं गाड़ी को लेकर निकलता हूँ माइंस से। जब माइंस से मैं निकलता हूँ, जब मैं डंप पहुँचता हूँ, तो डंप जाने के बाद मेरा गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। उसके बाद जब मैं गाड़ी को मैं जब लगाता हूँ वहाँ रैम के पास, डंप के जो रैम होता है वहाँ पर जब मैं गाड़ी लगाता हूँ बाइक करने के लिए, तो बाइक करने से पहले मैं लुकिंग ग्लास में देख लेता हूँ, आगे पीछे देख लेता हूँ, कोई गाड़ी वगैरह तो कोई इंसान तो पार नहीं कर रहा है। अगर देख लेता हूँ सब सही है, ओके है, तो उसके बाद फिर मैं गाड़ी को बाइक करता हूँ, फिर वहाँ पर मैं 3 हॉर्न 5-5 सेकंड का देता हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी को जब पीछे लेके जाता हूँ, तो ब्रम से 3 मीटर यानी कि जो रैंप है हमारा डंप रैम है, डंप करने जो रैंप है उसका 3 मीटर पहले ही मैं वहाँ अपना सिचुएशन पोजीशन को गाड़ी को देख लेता हूँ, मेरा गाड़ी टेपर वगैरह तो नहीं हो रहा है,
क्या है, जमीन वाला सही है, जगह सही है, जमीन मेरा टायर तो कहीं धक नहीं रहा है, उसके बाद मेरा गाड़ी को मेरा ओके हो जाता है, तब मैं वहाँ डाला उठाता हूँ माल अपना डंप करके। अच्छा जगत भाई, ऐसा होता है कि हालांकि मैं भी वही हूँ, मैंने भी वही काम किया है जो आप अभी कर रहे हैं, तो कभी कभी हालांकि मेरा अपना अनुभव रहा है जो भी रहा है, लेकिन मैं आपके मुझसे सुनना चाहता हूँ और अपने सब्सक्राइबर को ये बताना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू हैं अभी, और अभी बारिश का मौसम चल रहा है और जैसे कि डंप गीला है, तो हम लोग बर्म से जो है रैंप जो है, यानी कि रैंप जो डंप रैंप है, रैंप से कितना मीटर पहले हम लोग फिर डंप मतलब करना है? बारिश जब होती है तो हकीकत बात आपने पूछे कि डंप में कहीं पर बारिश होने के कारण डंप कहीं फंस भी जाता है, कहीं क्या बोलते हैं स्लिपर हो जाता है, स्लाइड भी कर जाता है, स्लाइड भी करता है, उसको हिसाब से बारिश को देखते हुए, उस रास्ता का कंडीशन को देखते हुए गाड़ी को उस सिचुएशन के हिसाब से ड्राइवर को गाड़ी चलानी चाहिए। और डंप में जब डंप करना जंप करने के लिए जब जाते हैं बाइक करके गाड़ी को, तो कम से कम रैम से कम से कम 10 मीटर या 7 से 10 मीटर पहले गिराना पड़ता है। वही है, सही है, सही है। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश में हम लोग जब एम्प्टी डंप यानी जब खाली गाड़ी को डंप से मटेरियल डंप करने के बाद जब हम लोग लेके आते हैं, तो गाड़ी कभी स्किड करती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो उस सिचुएशन में इंजन कंट्रोलर लगा के आप लोग जो यूज करते हैं उसका अनुभव थोड़ा बताइए। इंजन कंट्रोलर के डंप में सब जगह नहीं लगता है, इंजन कंट्रोलर का काम सिर्फ वहां पर होता है जहां पर जैसे गाड़ी में डॉन में लेकर चल रहा हूँ, तो अगर मान के चलिए गाड़ी का आरपीएम अगर भाग रहा है 1500 से ऊपर भाग रहा है, तो उस समय मैं इंजन कंट्रोल का यूज करूंगा। जब इंजन कंट्रोल देखूंगा आरपीएम घट गया है 10 से नीचे चला गया, उसको मैं फिर ऑफ कर दूंगा, ऑफ कर दीजिएगा। हाँ, वो काम है। और वो बारिश में भी लगा सकते हैं, अगर डाउन वहाँ बारिश भी हुआ तो वहाँ भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे भी आपका रोड अगर गीला भी नहीं है तो भी अगर आप आरपीएम को अगर छोड़ते हैं तो अगर भागता आरपीएम, तो उस समय भी आप इंजन कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक छोटा सा अपना कंटेंट देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जावेद भाई जो प्रॉपरली पर डे इनका काम यही है, तो आज मैंने जावेद भाई को कहा कि एक मेरे साथ में एक अपना एक वीडियो दीजिए, आप मेरे सब्सक्राइबर को बताइए आप कैसे गाड़ी चलाते हैं और क्या क्या देखते हैं। तो जनरली जो करते हैं पर डे जो कंपनी में हम लोग करना चाहते हैं, हालांकि ड्राफ्टिंग के लिए बताने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है, लेकिन इसमें क्या है कि मैं आपको बता पाऊंगा, और ये इनका पर्सनल अनुभव था, मेरा भी पर्सनल अनुभव बहुत सारा है, तो इस विषय में इन्होंने बताया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जो वॉल्वो ऑपरेटर हैं जिनको और भी बहुत सारी जानकारियां चाहिए, तो फिर जावेद जी हैं हमारे साथ में और भी बहुत जानकारी देने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अगला वीडियो मेरा बहुत ही जल्द।